नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिग ड्रीम इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है ऋषि राम पांचाल। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन शुरू करेंगे, जो कि CBSE और HBSE बोर्ड से है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल चेंज की। इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस चेंज विद द टाइम, यानी हर चीज समय के साथ बदल जाती है। तो चेंज दो टाइप के होते हैं, एक केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी दूध से दही का बनना एक केमिकल चेंज है, या कुकिंग ऑफ राइस और चपाती, यानी जब चावल को पकाते हैं या रोटी को पकाते हैं, वो भी एक केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर एंड वुड्स, यानी जब भी किसी चीज का दहन होता है, जैसे पटाखों या लकड़ी का, वो भी एक केमिकल चेंज है। ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, पौधों का ग्रो करना या पौधों में वृद्धि होना भी एक केमिकल चेंज है। रिपाइनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना भी एक केमिकल चेंज है। अब हम बात करेंगे फिजिकल चेंज की। जब भी किसी सब्सटेंस की शेप, साइज और पोजीशन या उसकी फिजिकल स्टेट बदल जाए, जैसे सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में, या उसका कलर चेंज हो, या उसके टेम्परेचर में राइज अप या डिक्रीज हो, या हम कह सकते हैं कि फिजिकल स्ट्रक्चर जो है उसका चेंज हो गया है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें कि एक रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है, बट दोबारा से फिर वो उसी शेप में आ जाता है। लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होगा। जैसे यहाँ दूध से दही बन गया, लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा। राइस और चपाती को हमने पका लिया, इनसे दोबारा से कच्चे मटेरियल्स नहीं मिलेंगे। एक बार फायर क्रैकर्स को या पटाखों को या लकड़ी को जला दिया, दोबारा से नहीं मिलेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो हैं, ये हैं शेप, साइज और पोजीशन या कंपोजिशन। अगर हम बात करें फिजिकल चेंज की, जब भी इन प्रॉपर्टी में से किसी सब्सटेंस की इन सभी प्रॉपर्टी में से चेंज आता है, तो वो फिजिकल चेंज है। जैसे एग्जांपल के लिए मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी बर्फ का पिघलना एक फिजिकल चेंज है। गेटिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी समुद्र के पानी से नमक का या साल्ट का प्राप्त होना एक फिजिकल चेंज है। अब हम बात करेंगे केमिकल चेंज की, यानी जब भी किसी सब्सटेंस के कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है और एक नया सब्सटेंस मिलता है, यानी व्हेन चेंज इन द कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस एंड ए न्यू सब्सटेंस आर फाउंड, देन कॉल्ड केमिकल चेंज। यहां केमिकल चेंज के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे जब कोयला जलता है, यानी कोयला क्या है, कार्बन कंपाउंड कार्बन है, तो जब कोयला जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ये कार्बन है, इसकी प्रॉपर्टी इस कार्बन डाइऑक्साइड से डिफरेंट होगी, अलग होगी। तो यहां हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज कार्बन, यानी सभी कार्बन है जो ये कार्बन का है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। अब हम बात करते हैं दूसरे केमिकल चेंज की,
व्हेन मैग्नीशियम इज बर्नड इन एयर तो क्या मिलता है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की, क्या होती है केमिकल रिएक्शन। अगर हम सीधा सीधा कहें कि जब भी कोई नया सब्सटेंस मिलता है, यानी साइन क्या है केमिकल रिएक्शन के, कि क्या हमें नया सब्सटेंस मिला, ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यस और नो। जैसे यहां हम बात करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बना देते हैं, H2O मतलब वाटर। तो यहां हम देखेंगे क्या ये सब्सटेंस नया है, बिल्कुल नया है, कि इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग होगी। अगर हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, दोनों आग लगाते हैं लेकिन जो वाटर है वो आग को बुझाता है। दूसरी बात कि केमिकल रिएक्शन की, क्या केमिकल रिएक्शन या रिवर्स्ड है, यानी कैन रिएक्शन इज रिवर्स्ड। जैसे अगर हम एग्जांपल ले वाटर, वाटर वेपर, वाटर वेपर से वाटर बन सकता है लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट के वाटर वेपर बन सकते हैं। बट इन केस ऑफ द बर्निंग ऑफ वुड, यानी लकड़ी के जलने पर क्या वो रिवर्स्ड हो सकती है, नहीं। तो केमिकल रिएक्शन में हमने यही देखना है कि या तो कोई नया सब्सटेंस बनेगा या वो रिएक्शन क्या है, ई रिवर्स्ड है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गिव डायरेक्ट एंड फॉर्म्ड वाटर। यहां किसी रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हिंदी में उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट को अभिकारक कहते हैं और प्रोडक्ट को उत्पाद कहते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट आर दोज सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट जो है वो सब्सटेंस हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और अदर हैंड प्रोडक्ट आर दोज सब्सटेंस फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन की और एक प्रोडक्ट बना। अब हम बात करेंगे कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, कि एटम रिटेन देयर आइडेंटिटी, दैट मीन एटम रिमेन अनचेंज, कि जो एटम है वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे यहां हम बात करें ये हाइड्रोजन था, ये इधर वाटर मॉलिक्यूल में भी ऐसा ही है, बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, कि जो रिएक्टेंट है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है प्रोडक्ट के अंदर। कैसे हुआ, ये यहां पर चार हाइड्रोजन थे, यहां एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स था, तो ये यहां पर ऑक्सीजन बाइंड है, दो ऑक्सीजन के एटम हैं एक दूसरे के साथ बाइंड है, तो यहां आप देख सकते हैं कि इन्होंने रीअरेंजमेंट की है, आपस में बॉन्ड जो है वो भी बदल लिए हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, कि केमिकल बॉन्ड इन ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गेट ब्रोकन, कि केमिकल बॉन्ड्स इन ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गेट ब्रोकन, कि जो केमिकल बॉन्ड है वो टूट जाता है। जैसे यहां दिखाया है ऑक्सीजन में दो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एंड न्यू केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म्ड, यानी यहां पर एक नया केमिकल बॉन्ड बन जाता है। फोर्थ पॉइंट कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज वेयर एज प्रोडक्ट इंक्रीज विद द टाइम अंटिल द रिएक्शन इज ओवर, यानी कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्टेंट है उसका अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होता रहेगा जब तक कि रिएक्शन चल रही है। अब हम बात करेंगे
फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन, यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला है फिजिकल फैक्टर या फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, कि जो रिएक्टेंट है वो किस स्टेट में है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। दूसरा टेम्परेचर और प्रेशर, कि जो रिएक्टेंट हम यूज कर रहे हैं उनका टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है। कंसंट्रेशन यानी उसकी मात्रा कितनी है। फिर हम बात करेंगे कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं, यानी जो किसी भी रिएक्शन को बढ़ाता या घटाता है या कंट्रोल करता है, यानी कैटलिस्ट इज एन एजेंट और सब्सटेंस और कंपाउंड विच इज एडेड इन ए रिएक्शन। कैटलाइज्ड कैन इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है यानी बढ़ा सकता है। दूसरा कैटलिस्ट नॉट कंज्यूम्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, कि जो कैटलिस्ट होता है वो केमिकल रिएक्शन में खत्म नहीं होता। फिर है कि हम कैसे माने कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ ना कुछ वहां पर होता है। तो जैसे हम देखें कि पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी जब भी कोई रिएक्शन होती है तो गैस का इवोल्यूशन होता है यानी गैस उसमें से बाहर निकलती है। दूसरा चेंज इन कलर, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसका रिएक्टेंट्स जो हैं उनका कलर चेंज हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो सकती है। चेंज इन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आ सकती है। या एनर्जी चेंज कॉजिंग इन टेम्परेचर, कि जो एनर्जी चेंज होती है केमिकल रिएक्शन में वो टेम्परेचर को भी चेंज कर सकती है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट पार्ट है इसका इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि हमने बात की थी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें से गैस इवोल्यूशन या इवोल्व होती है। जैसे इसका एग्जांपल हम लेंगे, रिएक्शन बिटवीन आयरन सल्फाइड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं आयरन सल्फाइड से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। यहाँ पर गैस इवोल्व हो रही है। देखो इस रिएक्शन में आयरन सल्फाइड और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है इवोल्व होगी यानी बाहर निकलेगी। अब दूसरा एग्जांपल है कि जब हम हीट करते हैं मिक्सचर ऑफ पोटासियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन गैस इवोल्व होती है यानी निकलती है वहां से। कि देखो पोटासियम क्लोरेट को हीट किया, MnO4 जो है, MnO4 इज ए यूज्ड एज कैटलिस्ट, और 2KCl यानी पोटासियम क्लोराइड और 3O2 यानी ऑक्सीजन जो गैस यहाँ से इवोल्व हो गई है। अब हम बात करेंगे चेंज ऑफ कलर, यानी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन चेंज ऑफ कलर अकर। वहन रेड लेड ऑक्साइड इज हीटेड, यानी जब हम रेड लेड ऑक्साइड को हीट करते हैं तो येलो लेड मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड, यानी वहां पर येलो कलर का लेड मोनोऑक्साइड बनता है, यानी पहले रेड था अब येलो हो गया, उसका कलर चेंज हो चुका है। यहाँ देखो कि 2PB3O4 ये क्या है, रेड लेड ऑक्साइड है, रेड लेड ऑक्साइड है, और उसको हमने हीट कर दिया तो 6PbO यानी लेड ऑक्साइड येलो कलर का और 3O2 यानी ऑक्सीजन गैस जो है इवोल्व हो गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है इसमें गैस भी इवोल्व हो रही है। अब दूसरा एग्जांपल हम लेंगे कि वहन क्लोरीन वाटर इज एडेड टू द पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ये Ki है पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन, तो ब्राउन कलर अपीयर यानी हमें ब्राउन कलर का अपीयरेंस मिलेगी।
जो हम सॉल्यूशन या हमारे रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। यहाँ देखो कि 2Ki यानी पोटासियम आयोडाइड और क्लोरीन हमने मिक्स कर दिया तो हमें क्या मिला, पोटासियम क्लोराइड और आयोडाइड्स। अब तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की प्रेसिपिटेशन कैसे होती है कि व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यानी जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ऐड करते हैं विद ए सोडियम क्लोराइड तो हमें सोडियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। ये जैसे रिएक्शन AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड तो यहाँ हम AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 यानी सोडियम नाइट्राइट हमें मिलेगा। यहाँ पर AgCl के यानी सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेशन होगी यानी प्रेसिपिटेट बनेंगे। पोटासियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, जब पोटासियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिलाते हैं तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट हमें मिलते हैं लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट हमें मिलते हैं। जैसे यहाँ पोटासियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट तो हमें ये जो लेड आयोडाइड है इसका हमें येलो प्रेसिपिटेट मिला है और साथ में K2KNO3 यानी पोटासियम नाइट्राइट भी मिला है। अब हम बात करेंगे तीसरे एग्जांपल की, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस फेरिक क्लोराइड यानी जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में फेरिक क्लोराइड को मिलाते हैं तो रेडियस ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड यानी हमें रेडियस और ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। जैसे कि फेरिक क्लोराइड प्लस NH4OH यानी यहाँ पर हमें मिला अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो FeOH3 ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है जो रेडियस ब्राउन प्रेसिपिटेट होंगे और हमें साथ में मिलेगा अमोनियम क्लोराइड यानी 3NH4Cl, ये एक्वस होगा और ये सॉलिड होगा। अब हम चौथे पॉइंट की बात करेंगे, चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसकी फिजिकल स्टेट जो है चेंज हो जाती है। देखो फर्स्ट एग्जांपल कि व्हेन ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इग्नाइटेड यानी जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सर को इग्नाइट करते हैं यानी जलाते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क से एट रूम टेम्परेचर तो लिक्विड वाटर इज फॉर्म्ड यानी जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनको इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं रूम टेम्परेचर पर तो हमें लिक्विड वाटर मिलता है। तो ये पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैस थे, आफ्टर दैट जब रिएक्शन हमने करवाई इलेक्ट्रिक स्पार्क हमने जब दिया रूम टेम्परेचर पर तो ये 2H2O यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ हम देख सकते हैं पहले गैस स्टेट थी फिर लिक्विड। दूसरा एग्जांपल है कि व्हेन अमोनिया गैस कॉन्टैक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यानी जब अमोनिया गैस कॉन्टैक्ट में आती है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के तो सॉलिड अमोनिया इज फॉर्म्ड यानी पहले दोनों गैस थी और यहाँ पर सॉलिड अमोनिया फॉर्म यानी हमें मिला है सॉलिड फॉर्म। इसकी रिएक्शन है NH3 गैस और प्लस HCl गैस यानी जी जो है ये गैस को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं रूम टेम्परेचर पर ये NH4 और Cl यानी अमोनियम क्लोराइड हमें सॉलिड फॉर्म में मिला। अब हम बात करेंगे चेंज इन द टेम्परेचर एनर्जी चेंज यानी चेंज इन टेम्परेचर और एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज आइदर इवॉल्व्ड और अब्जॉर्ब्ड यानी जब एनर्जी चेंज होती है तो उसमें या तो हीट क्या होगी इवॉल्व्ड होगी सॉरी हीट लिखना भूल गया मैं यहाँ हीट आइदर इवॉल्व्ड और अब्जॉर्ब्ड यानी जब भी होगा यानी केमिकल रिएक्शन जब होगी तो वहाँ पर हीट जो है इवॉल्व्ड भी हो सकती है और अब्जॉर्ब भी हो सकती है। जो एनर्जी की फॉर्म है वो हीट की फॉर्म में हो सकती है लाइट की फॉर्म में हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है साउंड की फॉर्म में हो सकती है। अब हम बात करेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन की यानी
हीट इज लिबरेटेड, यानी जब एक्सो मीन आउट और थर्मिक मीन हीट, यानी हीट आउट, यानी जब गर्मी बाहर निकलती है किसी रिएक्शन से उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मीन इन, थर्मिक मीन हीट, यानी जब हीट अब्जॉर्ब होती है रिएक्शन में वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है कि व्हेन कोल इज, यानी कार्बन इज बर्नड हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस, यानी जब हम कोयले को जलाते हैं तो हमें हीट और लाइट मिलती है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्लस लाइट। दूसरा, व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, यानी ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये क्विक लाइम है और इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया H2O, तो हमें कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसको स्लैक्ड लाइम बोलते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट इवॉल्व होगी, यानी बाहर निकलेगी, लिबरेटेड होगी। ये जो है सॉल्यूशन जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैक्ड लाइम सॉल्यूशन, व्हाइट वाश सॉल्यूशन है। अब हम बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडो मतलब कि अंदर, थर्मिक मतलब हीट, यानी जब हीट अब्जॉर्ब होती है किसी रिएक्शन में। तो रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड फॉर्म बेरियम क्लोराइड और अमोनियम एंड वाटर, कूलिंग इफेक्ट होता है यहाँ पर कि जब हम बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड को अमोनिया क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बेरियम क्लोराइड और अमोनिया और वाटर मिलता है हमें, यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट होता है। ये रिएक्शन है बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी BaOH2 2NH4Cl, तो प्रोडक्ट जो होगा हमारा BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया, साथ में हीट। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि हमारा कंक्लूजन क्या था कि इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम और रिएक्शन, यानी जो टेम्परेचर है रिएक्शन का या सिस्टम का वो क्या होगा, राइज अप करेगा, बढ़ेगा। अब हम बात करेंगे इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, फॉल यानी डिक्रीज हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट, गिव मी योर सजेशन, अगर पसंद आया हो तो या अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। ये जो पार्टिकल्स हैं या एटम हो छोटे से एक दूसरे से अपार्ट होते हैं, क्या होते हैं, अपार्ट, अपार्ट मतलब दूर।